मेडिकल एजुकेशन समाज के लिए एक नोबेल एजुकेशन है और हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे इस नोबेल प्रोफेशन को करें। और इस आपाधापी में आपको मैं बता दूं कि भारत में 1,08,000 है MBBS के और बच्चे जो MBA हो रहे हैं वो हो रहे हैं 24 लाख। जिस 24 लाख में 13 लाख बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं उसमें से 1,08,000 बच्चों को मेडिकल के क्षेत्र में ज्ञान मिल रहा है। फिर बच्चे के पास सवाल आता है कि फिर क्या करें अपने सपनों को पूरा करने के लिए। फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन के तौर पे अब्रॉड MBBS आता है, लेकिन अब्रॉड MBBS में कुछ चुनौतियां हैं जिसको हमें जान लेनी चाहिए। 2021 में 18 नवंबर 2021 को नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक रेगुलेशन लाया जिसको FMCL 2021 बोला जाता है। उसके कंडीशंस हैं जिसको फुलफिल आपको करना होगा। आइए इसी संबंध में हम लोग बात करेंगे और जिस FMCL को लेकर जिस कंट्री के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं उस कंट्री का नाम है जॉर्जिया। क्या जॉर्जिया FMCL को फुलफिल करता है, क्या जॉर्जिया एम्बेसी जिसने एडवाइजरी निकाला है या इंडियन एम्बेसी जिसने एडवाइजरी निकाला है उसका मतलब क्या है। नमस्कार, मेरा नाम दीपेंद्र चौबे है। होप कंसल्टेंट के इस नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है और आज हम जिस पे बात करने जा रहे हैं वो है MBBS इन जॉर्जिया। अब एडवाइजरी से बात करने से पहले इस बात को भी हम लोग एक परखने के जांचने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं जो जॉर्जिया इतना अट्रैक्टिव हो गया कंसल्टेंटों के लिए भी और छात्रों के लिए भी, खास करके पेरेंट्स के लिए भी। डेफिनेटली जॉर्जिया एक बेहतरीन कंट्री है, पॉपुलेशन अच्छा है, उसका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो भी बहुत अच्छा है। अगर इंडिया से क्राइम रेट में कंपेयर करें तो क्राइम रेट भी काफी कम है और एक तरह से उसको यूरोपियन पार्ट का हिस्सा भी माना जाता है। तो ये बच्चों के दिमाग में है कि मैं अगर जॉर्जिया से MBBS की पढ़ाई करने जा रहा हूँ तो मैं एक यूरोपियन यूनियन से पढ़ाई करने जा रहा हूँ, जबकि हकीकत कुछ और है। हम खास करके MBBS जॉर्जिया की बात कर रहे हैं, हम किसी कंट्री की बात नहीं करने जा रहे हैं। जॉर्जिया की राजधानी तिबलिसी है। तिबलिसी के जो वहां की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो 11 करोड़ के आसपास है और उस शहर में आपको मैं बता दूं कि कम से कम 26 से 27 मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं। हर आपको 1 किलोमीटर में एक मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएंगे और सारे मेडिकल कॉलेज इंडियन छात्रों से भरा हुआ है और उसको चलाने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्टर हैं जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि इंडियन खाना है, इंडियन हॉस्टल है, इंडियन केयर टेकर है, लेकिन जिस पे बात करनी चाहिए वो कंसल्टेंट काउंसलर चुप रहते हैं। बात होनी चाहिए कि वहां का एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है, वहां के करिकुलम क्या है और सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्या FMCL जॉर्जिया फुलफिल करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि 22 सितंबर 2022 को इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी निकाला जॉर्जिया MBBS के ऊपर। उसमें कुछ सवाल पूछे गए थे, उसके कुछ सवालों का जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से दिया गया है। उसमें सवाल ये था कि वहां पे जॉर्जियन जो मेडिकल कोर्स है उसका ड्यूरेशन क्या है, उसमें एम्बेसी ने 6 ईयर लिखा। वहां पे ये भी पूछा गया कि क्या वहां पे इंटर्नशिप सेपरेट है या इंक्लूडेड है, इंटीग्रेटेड है। एम्बेसी ने उसको कह दिया कि वो 6 ईयर के अंदर इंटर्नशिप भी है, मतलब वहां पे सेपरेट इंटर्नशिप नहीं है और जॉर्जियन लॉ भी कहता है कि वहां पे सेपरेट इंटर्नशिप लॉ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो एडवाइजरी में पूछा है, जो एडवाइजरी निकाला गया वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में था। उसमें सबसे बेहतरीन जो सवाल था वो था कि क्या इंडियन स्टूडेंट जो जॉर्जिया में MD की पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाई कर लेने के बाद उनको लाइसेंस टू प्रैक्टिस जॉर्जिया में मिलेगा या नहीं मिलेगा। 22 सितंबर 2022 के इंडियन एम्बेसी के एडवाइजरी में क्लियर कट कह दिया गया था कि किसी भी स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट को जो MD प्रोग्राम करता है यहाँ से उसको लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं मिलेगा। और MD प्रोग्राम करने के बाद वहां पे एक और उसकी बात लिखी गई है कि सिर्फ इंडियन बच्चों को ही MD करने के बाद लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं मिलता है, बल्कि वहां के लोकल या अन्य देशों के भी जो बच्चे आते हैं उनको भी जो ग्रेजुएशन डिप्लोमा है उसके बाद वहां पे लाइसेंस की व्यवस्था नहीं है और जॉर्जियन गवर्नमेंट, जॉर्जियन अथॉरिटी आपको MD प्रोग्राम करने के बाद, 6 साल अपनी MBBS की पढ़ाई करने के बाद आपको लाइसेंस नहीं देता है। उसके बाद फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इंडियन एम्बेसी को सेम चीज जो आपने एडवाइजरी में 22 सितंबर 2022 को लिखा था उसी एडवाइजरी को 29 सितंबर 2022 को शब्दों के साथ खेलते हुए और उसको थोड़ा सा और रूल्स रेगुलेशन को उसमें डालते हुए और बच्चों को कैसे कंफ्यूज कर दिया जाए। चीजें वही था लेकिन इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स डाल दिए गए, कुछ आर्टिकल्स डाल दिए गए और एक जूनियर डॉक्टर का खेल यहां से शुरू होता है। 29 सितंबर के जो एडवाइजरी है
उसमें भी एम्बेसी का कहना है कि आपको एमडी प्रोग्राम करने के बाद लाइसेंस नहीं मिलेगा। जॉर्जिया में लाइसेंस के लिए आपको वहां पे रेसिडेंसी या पीजी करना पड़ेगा, उसके बाद जो स्टेट सर्टिफिकेशन होता है वो एग्जाम पास करने के बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। यानी कि आप जॉर्जिया में एमडी करने के बाद आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता है, लाइसेंस लेने के लिए आपको वहां का पीजी करना पड़ेगा या रेसिडेंसी करना पड़ेगा। और रेसिडेंसी पीजी करने के बाद जो यूनिफाइड स्टेट सर्टिफिकेशन एग्जाम होते हैं उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। और ये एग्जाम इंग्लिश में नहीं होता है, ये एग्जाम जॉर्जियन लैंग्वेज में होता है। अब आइए एक एक करके देखते हैं कि जॉर्जियन एम्बेसी के एडवाइजरी, दोनों एडवाइजरी में क्या सिमिलर है, क्या अलग अलग बातें कही गई है। उसके बाद जो आरटीआई किया गया था रिसेंटली, आरटीआई जो 2024 में किया गया था, उसका जवाब क्या आता है लाइसेंस के ऊपर। और फाइनली 9 अगस्त 2024 को जो जॉर्जियन एम्बेसी इंडिया है उसने एडवाइजरी दिया, उसमें क्या क्या कहा गया है और जूनियर डॉक्टर का खेल क्या है और क्या ये सच में इंडियन एम्बेसी का जो एडवाइजरी है या जॉर्जियन एम्बेसी का जो एडवाइजरी है क्या इंडियन बच्चों के लाइफ के साथ सच में खिलवाड़ कर रहा है। और आप इसको तय कीजिए कि इंडियन एम्बेसी कहाँ तक सही है, जॉर्जियन एम्बेसी कहाँ तक सही है, या फिर वो दोनों एम्बेसी के कही हुई जो सच्चाई है उसको जो आपका कंसल्टेंट है उनसे एक बार पूछने की जरूर कोशिश कीजिएगा कि ये तीनों एडवाइजरी में आप क्या अलग देखते हैं। और ये जो मेल है या ये जो आरटीआई का जवाब है इसको आप जॉर्जिया में एमबीबीएस करने वाले जो इंडियन बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ कहाँ पे रख के सोचते हैं। तो चलिए हम बात करने जा रहे हैं जो पहला एडवाइजरी है उसमें इंडियन एम्बेसी ने क्या कहा लाइसेंस टू प्रैक्टिस और इंटर्नशिप के ऊपर। तो पहला जो एडवाइजरी है उसपे हम बात करने जा रहे हैं, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसके कुछ नंबर्स हैं जो आपके स्क्रीन पे भी दिखेंगे, आप भी पढ़ के उसको समझ सकते हैं कि सच में इंडियन एम्बेसी आपके फ्यूचर के लिए क्या बोल रहा है। इंडियन एम्बेसी क्लियर कट कह रहा है कि आपका लाइसेंस नहीं है, वहां पे सेपरेट इंटर्नशिप नहीं है, जबकि एनएमसी का कहना है कि आपको वहां से सेपरेट इंटर्नशिप लाना है और वहां से लाइसेंस टू प्रैक्टिस लेके आना है। तो जॉर्जियन इंडियन एम्बेसी का एडवाइजरी देखते हैं, इंडियन एम्बेसी का एडवाइजरी 22 सितंबर को क्या कह रहा है। 22 सितंबर का इंडियन एम्बेसी का एडवाइजरी है जिसमें तकरीबन 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। 6 क्वेश्चन में से जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था 5 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था, डज एन इंडियन एमडी स्टूडेंट गेट रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज अंडर एनी इंस्टीट्यूशन दैट इज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट अ लाइसेंस एट पार टू द सिटीजन ऑफ जॉर्जिया। इसमें बहुत बहुत आसानी से इंडियन एम्बेसी ने जवाब दे दिया, एमडी स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनलिटी डू नॉट गेट रजिस्टर्ड अंडर एनी रेगुलेटरी बॉडी। इंडियन एम्बेसी ने बहुत क्लियर कट इस सवाल का जवाब 22 सितंबर को जो एडवाइजरी निकाला उसमें दे दिया कि इंडियन बच्चों को वहां पे लाइसेंस नहीं मिलेगा। लाइसेंस के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस के लिए उनको वहां का जो नेशनल पोस्ट डिप्लोमा क्वालिफिकेशन एग्जाम होता है उसको पास करना पड़ेगा, पास हो जाने के बाद उनको रेसिडेंसी में या मास्टर डिग्री में एडमिशन लेनी पड़ेगी। वो जब क्लियर कर लेंगे, रेसिडेंसी या मास्टर डिग्री उनका क्लियर हो जाएगा, तो यूनिफाइड स्टेट सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है लाइसेंस के लिए, उसको आपको पास करना पड़ेगा, फिर जाके आपको जॉर्जिया में रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ये इंडियन एम्बेसी ने अपने 22 सितंबर 2022 के एडवाइजरी में लाइसेंस के ऊपर बहुत क्लियर कट कह दिया है। आप भी इस चीज को पढ़ रहे हैं स्क्रीन पे और बार बार पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि इंडियन एम्बेसी ने पहला ही पैराग्राफ में क्वेश्चन नंबर 5 के ये क्लियर कर दिया है कि लाइसेंस टू प्रैक्टिस अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को जॉर्जिया में नहीं मिलता है। अब आइए हम बात करते हैं ये 22 सितंबर के बाद फिर 7 दिन के अंदर इंडियन एम्बेसी को क्या जरूरत पड़ गई जो फिर दोबारा एडवाइजरी निकाला गया। और दोबारा जो दूसरा एडवाइजरी आया उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलरिटी है पहला एडवाइजरी से, उसके ऊपर भी हम बातचीत करते हैं। जो 22 सितंबर का पहला एडवाइजरी था और 29 सितंबर का ये जो दूसरा एडवाइजरी है इसमें लगभग लगभग सारी चीज सिमिलर है, सिर्फ 2-3 शब्दों के साथ खेला गया है, 2-4 आर्टिकल्स इसमें ऐड किया गया है। चूंकि बच्चे आर्टिकल्स नहीं पढ़ सकते हैं या बच्चों के पास वो आर्टिकल्स अवेलेबल नहीं है, जॉर्जियन मेडिकल लॉ अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इस आर्टिकल के नाम पे, आर्टिकल के बहाने से उन बच्चों को गुमराह किया जा सके कि वहां पे लाइसेंस है। और उसके बाद 22 सितंबर के जो एडवाइजरी था उसमें लिखा गया था कि नहीं है, 29 सितंबर के एडवाइजरी में एक लाइन जो ऐड किया गया कि जो जॉर्जियन मेडिकल एजुकेशन है एमडी प्रोग्राम वो इक्वल टू यूके और इंडिया है। अब सबसे बड़ी चीज ये है यहाँ पे समझने वाले
कि ये इंडियन एम्बेसी को ये पावर किसने दे दिया कि किसी भी देश के डिग्री को वो इक्विवेलेंस कर रहा है। इक्विवेलेंसी देने का राइट इंडियन एम्बेसी के पास कैसे आ गया, ये किसने दे दिया? इंडिया में विदेश के डिग्री को इक्विवेलेंस करने के लिए एजेंसीज बनी हुई है। अगर आप मेडिकल का डिग्री पढ़ाई करके आते हैं तो वो डिग्री इंडिया में इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस है, इक्विवेलेंट टू पीजी एमएस एमडी है या नहीं है, ये राइट तो सिर्फ और सिर्फ एनएमसी को है, नेशनल मेडिकल कमीशन के पास है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन से बिना पूछे इंडियन एम्बेसी ने ये कैसे कह दिया कि जॉर्जिया का एमडी डिग्री इक्विवेलेंट टू इंडिया है? ये राइट तो जॉर्जियन एम्बेसी के पास नहीं है, इंडियन एम्बेसी के पास नहीं है। जैसे आप किसी देश से इंजीनियरिंग की डिग्री करके आते हैं, एमबीए की डिग्री करके आते हैं, बीएससी आईटी की डिग्री करके आते हैं, बीकॉम की डिग्री करके आते हैं, उसके लिए एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज है जो आपकी डिग्री को इक्विवेलेंट करती है कि आपकी डिग्री इंडिया में इक्विवेलेंट है या नहीं है। इंडियन एम्बेसी कैसे कर दिया कि ये इक्वल टू एमबीबीएस इंडिया है, इस पे भी इंडियन एम्बेसी को सोचना चाहिए। या किसने इसको लिखवाया, और इस लाइन को ही मान दे मान ले कि इक्वल टू यूके और इंडिया में ही जॉर्जियन एम्बेसी का डिग्री इक्विवेलेंट है, तो क्या ये दो देश छोड़ के जॉर्जियन जॉर्जिया का एमबीबीएस डिग्री या एमडी डिग्री और देशों में वैलिड नहीं है? क्या माना जाए इसको, आप खुद तय कीजिए। और ये सेकेंड 29 सितंबर को जो एडवाइजरी आता है इसको किसने लिखवाया, इंडियन एम्बेसी? फिर वही चीज को दोबारा इतनी कॉम्प्लिकेटेड करके क्यों लिखी, ये भी आप समझिए। इसमें फिर आगे जब पूछा जा रहा है कि क्या लाइसेंस है, तो लाइसेंस के मामले में जो पहला एडवाइजरी था उसमें क्लियर कट है कि नहीं है, इसमें डायरेक्टली नहीं नहीं बोला गया है, लाइसेंस टू प्रैक्टिस नॉट अवेलेबल नहीं बोला गया है, इसमें वो ना को थोड़ा घुमा के बोला गया है, लेकिन बोला ना ही गया है कि इंडियन बच्चों को जॉर्जिया से एमडी करने के बाद लाइसेंस नहीं मिलेगा। वो क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 में फिर वही क्वेश्चन है कि क्या इंडियन बच्चों को वहां पे लाइसेंस मिलेगा, कोई ऐसा कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी एजेंसी है जो इन बच्चों को लाइसेंस देगा, उसके बारे में इंडियन एम्बेसी ने इसमें क्या लिखा दूसरा एडवाइजरी में, इंडियन एमडी स्टूडेंट एज वेल एज अदर एमडी स्टूडेंट रिगार्डलेस देयर नेशनलिटी हु स्टडी इन एक्रेडिटेड एंड ऑथोराइज मेडिकल स्कूल्स यूनिवर्सिटीज बाई एक्रेडिटेड एजेंसी एनसीईक्यूई, ये वहां का एक्रेडिटेड एक्रेडिशन देने वाला एजेंसी है, उसके बाद विच इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज एज एक्रेडिटेड एजेंसी बाय द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन आर रजिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस ऑफ जॉर्जिया। इंटरनेशनल एक्रेडिशन इम्प्लाइज दैट ऑल एमडी डिप्लोमा ऑफ ग्रेजुएट फ्रॉम एक्रेडिटेड बाय एनसीईक्यूई एमडी प्रोग्राम इन जॉर्जिया आर रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड। अपनी कहानी ये पैरा में रख दिया, इसी को पहले एडवाइजरी में इंडियन एम्बेसी ने कहा था कि वहां पे लाइसेंस नहीं है। अब ये अपने क्वेश्चन नंबर 5 का अपनी गुणगान कर दिए कि भाई वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड है, जो वहां का एनसीईक्यू है वो रिकॉग्नाइज्ड है, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। ये है हर कंट्री के जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं इन सब एजेंसीज में रजिस्टर्ड होते हैं, वहां के कुछ एक्रेडिटेशन बॉडी होता है जो उसको एक्रेडिट करता है, ये सब चीजें। उसके बाद जब लाइसेंस की बात आ रही है, जब लाइसेंस की बात पूछी जा रही है, तो इसमें अब यहां से एक नया ट्विस्ट आता है और एक नया शब्द ऐड होता है, उसको बोल रहे हैं जूनियर डॉक्टर। उसके बाद सेकंड एडवाइजरी में इंडियन एम्बेसी ये कहना कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द जॉर्जियन लेजिस्लेशन ग्रेजुएट ऑफ एमडी प्रोग्राम हैव द राइट। ठीक है, अब जो जॉर्जियन मेडिकल लॉ है उसमें जो एमडी किया हुआ स्टूडेंट है उसके पास क्या क्या राइट है, तो इसमें कह रहे हैं नंबर 1 में टू बी इम्प्लाइड एज ए जूनियर डॉक्टर। इस लाइन को, इस सेंटेंस को आप अंडरलाइन कर लीजिए, टू बी इम्प्लाइड एज ए जूनियर डॉक्टर। तो ये कहाँ इम्प्लाइड होंगे भाई, ये कहाँ काम करेंगे, किसी हॉस्पिटल में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर ये पढ़ाई के दौरान जो स्टूडेंट्स सीनियर्स के साथ, स्पेशलिस्ट के साथ, ट्यूटर के साथ, स्पेशलिस्ट के साथ हॉस्पिटल में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई किए हैं, यूनिवर्सिटी के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां इनको ड्यूटी करने के लिए दिया जाता है, वहां पे इनको इम्प्लाइड किया जाता है। तो जूनियर डॉक्टर को आपको मैं बता दूं, पहले बेसिक चीजें समझ लीजिए फिर उसके टेक्निकली और लीगलिटी पे जाएंगे। जूनियर डॉक्टर वो होता है कि आप पढ़ाई के दौरान जब इंटर्नशिप आप करते हैं और आप किसी अपने सीनियर्स या किसी स्पेशलिस्ट या किसी कंसल्टेंट के सुपरविजन में जब आप कुछ काम सीखते हैं,
रिसर्च में सीखते हैं, क्लिनिकल के बारे में सीखते हैं, तो आपको एज ए जूनियर डॉक्टर कहा जाता है। और इस जूनियर डॉक्टर को आगे भी मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उससे भी आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो जूनियर डॉक्टर को वहां पे लाइसेंस नहीं मिलता है। इंडियन एम्बेसी जो ये लिख रहा है, टू बी एम्प्लॉयड एज ए जूनियर डॉक्टर पोजिशन दैट मे बी ऑक्यूपाइड बाय एमडी ग्रेजुएट फ्रॉम स्टेट एक्रेडिटेड हायर मेडिकल इंस्टीट्यूशन हु शैल परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ अ डॉक्टर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन आर्टिकल 5 जो इंस्ट्रक्शन देता है, जॉर्जियन मेडिकल लॉ का जो आर्टिकल 5 इन बच्चों के जूनियर डॉक्टर के लिए इंस्ट्रक्शन देता है, उसके अंडर आप वहां पे काम कर सकते हैं। आर्टिकल 5 पे भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये है आपका सेकेंड एडवाइजरी जो 29 सितंबर को 2022 में आता है। तो इसका भी यहाँ पे मतलब है कि लाइसेंस नहीं है। जूनियर डॉक्टर कौन है, जूनियर डॉक्टर का क्या राइट है, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक ये दोनों एडवाइजरी के डिफरेंसेस आप समझ लिए, और स्क्रीन पे भी दिख रहा है, इस एडवाइजरी को मैं आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो सबसे बेहतरीन चीज है आपको समझना और पढ़ना, बार बार पढ़िए और बार बार सवाल उठाइए अपने काउंसलर से, कंसल्टेंट से, हु इज द जूनियर डॉक्टर, क्या उसके पास राइट है, क्या उसके पास रजिस्ट्रेशन मिलता है, क्या वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकता है। यहाँ पे भी जो बच्चे पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के दौरान अगर वो प्रैक्टिस करते हैं हॉस्पिटल में, जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करते हैं या उस कॉलेज के अफिलियेटेड या एमओयू जिसके साथ हॉस्पिटल के साथ साइन है, वैसे हॉस्पिटल्स में अगर आप सुपरविजन में काम कर रहे हैं तो वो जूनियर डॉक्टर कहते हैं। एक आरटीआई किया गया था 11 अप्रैल 2024 को। उस आरटीआई में भी बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, लेकिन उस आरटीआई में लाइसेंस के लिए भी एक सवाल पूछा गया था। वो सवाल आपको था कि हम जो इंडियन बच्चे जॉर्जिया में पढ़ाई कर रहे हैं तो एमडी के बाद उनको लाइसेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसका क्वेश्चन नंबर 4.4 है, वो आपके स्क्रीन पे भी दिखेगा। क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन द आर्मेनिया इन जॉर्जिया। इस आरटीआई में आर्मेनिया और जॉर्जिया दोनों के बारे में पूछा गया था, और जो इंडियन एम्बेसी है वो आर्मेनिया में है, हाल फिलहाल में जॉर्जिया में खुल गया है, लेकिन आर्मेनिया में जो इंडियन एम्बेसी था वही कवर जॉर्जिया को भी करता था। तो इसके आंसर में इंडियन एम्बेसी ने जो रिप्लाई दिया वो भी आप देख लीजिए। फॉर अबटेनिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन आर्मेनिया एंड जॉर्जिया पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्पेशलाइज्ड फील्ड इज मैंडेटरी। ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन कोर्सेज व्हिच मे रेंज फ्रॉम 1 to 4 इयर्स। इस आरटीआई में जो 11 अप्रैल 2024 को किया गया था, जिसका जवाब इंडियन एम्बेसी ने दिया, उसके क्वेश्चन नंबर 4.4 में जब लाइसेंस के बारे में पूछा गया तो इसमें भी इंडियन एम्बेसी ने कह दिया कि आपको वहां पे लाइसेंस के लिए, लाइसेंस टू प्रैक्टिस के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ही जॉर्जिया में या आर्मेनिया में आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलेगा। तो लाइसेंस टू प्रैक्टिस जो बार बार बात आ रही है कि जॉर्जिया में जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको दे दिया जाएगा, ये सरासर गलत है, ये बच्चों के साथ छलावा है, और ऐसी कोई भी प्रोविजन जॉर्जियन मेडिकल लॉ में नहीं है कि वहां के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं इंक्लूडिंग जो लोकल बच्चे हैं उनको भी लाइसेंस दिया जाता हो। फॉरेन नेशनल के लिए तो है ही नहीं, उनके जॉर्जियन जो लोकल सिटीजन है जो वहां के 6 ईयर के एमडी प्रोग्राम करते हैं उनको भी लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज ए जूनियर डॉक्टर नहीं दिया जाता है। अब जूनियर डॉक्टर के डेफिनेशन से पहले फिर एक मेल मैं आपको बताना चाहता हूं। वो मेल है, वो मेल अभी हाल ही में किया गया था 10 जून 2024 को। 10 जून 2024 में उसमें भी पूछा गया था कि जॉर्जिया के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के बारे में। उसमें जो एम्बेसी ने रिप्लाई किया है, आदित्य कुमार पांडे जी हैं, सेकंड सेक्रेटरी हैं, काउंसिल है वहां के, उसमें उस स्टूडेंट को एड्रेस करते हुए लिखा गया है, और उसका जो दो पॉइंट में उसका जवाब दिया गया है। पहला है, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर एमबीबीएस कोर्स इन जॉर्जिया द ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर एफएमजी इन इंडिया। अब ये जो साहब मेल का जवाब दे रहे हैं कि 6 ईयर कंप्लीट कर लेने के बाद जो जॉर्जिया से स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है वो एफएमजी के लिए एलिजिबल हो जाता है। या तो ये साहब को 2021 में जो नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा एफएमजी लाया गया है उसके बारे में नॉलेज नहीं है, या जो लोग इनसे ये मेल करवाए हैं वो बड़ा जल्दीबाजी में थे।
आपको एफएमजी में बैठने के लिए 2021 के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन ने 4-5 रूल्स बनाए हैं कि मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन आपका 4.5 साल से कम नहीं होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, सेपरेट 12 मंथ का इंटर्नशिप होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप जिस देश में पढ़ाई करने जा रहे हैं उस देश से आप लाइसेंस टू प्रैक्टिस लेके आइए। तो 6 साल के बाद इंडियन एम्बेसी मेल के जवाब में लिख रहा है कि आप 6 साल कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद आप एफएमजी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अरे भाई साहब, आपके पास उस देश का लाइसेंस होना चाहिए, उस देश का सेपरेट इंटर्नशिप होना चाहिए, जो कि जॉर्जिया में सेपरेट इंटर्नशिप नहीं है, इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप है। और इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप पे एनएमसी ने जवाब दे चुका है कि कंबाइंड क्लर्कशिप हो, क्लिनिकल ट्रेनिंग हो या इंटर्नशिप हो, उसको एक्सेप्ट मैं नहीं करूंगा। और लाइसेंस टू प्रैक्टिस लेके आना है, बिना लाइसेंस टू प्रैक्टिस लिए आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग एफएमजी या आने वाले समय नेक्स्ट जो होगा उसमें आप अपियर नहीं कर सकते हैं। तो आदित्य कुमार पांडे जी, आपको जो वहां के सेकंड सेक्रेटरी हैं, आपको भी इस चीज को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके ईमेल के जवाब, आरटीआई के जवाब से कई बच्चों के जीवन फंस सकते हैं और कई बच्चों के जीवन बच सकते हैं। अब आगे उस मेल के जो दूसरा नंबर का जो सवाल है वो क्या है, उसको वो भी देख लीजिए आप। ड्यूरेशन द 6, 5+1। अब जॉर्जिया में 5+1 का कंसेप्ट है ही नहीं, और ये साहब 5+1 लिख दिए। 5+1 का मतलब होता है कि 5 ईयर्स वहां के प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन होगा, जैसे इंडिया में 4.5 ईयर्स प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन होता है और 1 ईयर सेपरेट इंटर्नशिप होता है। तो क्या जॉर्जिया में 5 ईयर्स प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन है? जॉर्जियन लॉ में तो कहीं नहीं लिखा गया है। क्या वहां पे 1 ईयर सेपरेट इंटर्नशिप है? ये तो कहीं नहीं लिखा गया है, लेकिन ये साहब मेल के जवाब में लिख दिए कि 6 ईयर कोर्स है जिसमें 5+1 है, 5 साल आप वहां पढ़िए और 1 साल आप इंटर्नशिप कर लीजिए। आगे क्या लिखते हैं ये भी देख लीजिए। द लास्ट ईयर इज फॉर इंटर्नशिप एज ए जूनियर डॉक्टर। अब जूनियर डॉक्टर इस मेल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडियन एम्बेसी ये कह रहा है कि जो फाइनल ईयर का जो आप इंटर्नशिप करते हैं फाइनल ईयर में एज ए जूनियर डॉक्टर, वही जूनियर डॉक्टर सब जगह बोला जा रहा है। तो जूनियर डॉक्टर को लाइसेंस तो मिलता नहीं है, फिर ये लिख रहे हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर कोर्स द ग्रेजुएट ग्रेजुएट्स कैन अपियर फॉर एफएमजी। फिर पांडे जी, आपको फिर लिखने से पहले सोचना चाहिए कि 2021 के पहले एमबीबीएस अब्रॉड का सिनेरियो अलग था और 2021 नवंबर के बाद एमबीबीएस अब्रॉड की कहानी अलग है। आप ये दोनों को एक साथ मर्ज करके न देखें। 21 के पहले जो बच्चे गए हैं वो स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन से रेगुलेट होते हैं और 21 के बाद जो बच्चे गए हैं वो एफएमजीएल 2021 से रेगुलेट होते हैं। और एफएमजीएल 2021 स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 में बहुत डिफरेंसेस हैं। तो इस मेल के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि जो इंटर्नशिप में जो बच्चा है, जो ट्रेनिंग या रिसर्च या क्लिनिकल चीजों को सीखता है, उसी को जूनियर डॉक्टर कहते हैं। तो ये मेल है और ये मेल जून 10, 2024 को इंडियन एम्बेसी ने रिप्लाई किया है। अब आइए एक चीज और देख लेते हैं कि इन सब के बीच में जो कंसल्टेंट बार बार ये बता रहे हैं कि आप वहां पे जाइए, 6 साल के बाद आप जूनियर डॉक्टर बन जाइए, वहां प्रैक्टिस कीजिए, आपको लाइसेंस मिलेगा। कुछ देर के लिए इंडियन एम्बेसी का एडवाइजरी, जॉर्जियन एम्बेसी के एडवाइजरी या जॉर्जियन मेडिकल लॉ है उसको मैं साइड कर दूं और उन कंसल्टेंटों से मैं पूछूं, ये वही कंसल्टेंट है, याद रखिए कि 2021 के पहले इन लोगों ने जॉर्जिया में एमबीबीएस की कोर्स ड्यूरेशन 5 ईयर्स बताया था। जब पहला बैच वहां से निकल रहा था तो जॉर्जियन ऑथोरिटी ने कहा कि हमारे यहाँ 5 ईयर्स नहीं है और उन सभी बच्चों को 6 ईयर जो एमबीबीएस ड्यूरेशन था उसको कंप्लीट करने के बाद ही डिग्री मिला था। लेकिन ये कंसल्टेंट, ये काउंसलर 2021 के पहले भी जॉर्जिया को इसी तरह से बदनाम किए थे कि वहां का एमडी प्रोग्राम 5 ईयर्स का है, जबकि जॉर्जिया में 5 ईयर्स का एमडी प्रोग्राम कभी था ही नहीं। जब बच्चे 5 ईयर्स में गए थे 2021, जो बच्चे स्क्रीनिंग टेस्ट से रेगुलेट होते थे उस समय भी ये कंसल्टेंटों ने वहां पे कहा नहीं किया था। और आज 2021 के बाद भारतीय मासूम छात्रों से जो अपने सपनों को बनाने के लिए इतने घर से दूर जा रहे हैं, अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, अपने समय बर्बाद कर रहे हैं इस उम्मीद में कि एक अच्छा डॉक्टर बन के आएंगे, लेकिन एक कंसल्टेंट इतने गलत तरीके से काउंसलिंग कर रहे हैं बच्चों को जिसका जवाब नहीं है। इस कंसल्टेंट को यही नहीं पता है, इस काउंसलर को यही नहीं पता है कि जूनियर डॉक्टर क्या होता है। कितने इसमें से कंसल्टेंट हैं जो जॉर्जियन मेडिकल लॉ पढ़े हैं? मेडिकल लॉ में जूनियर डॉक्टर को कैसे डेफिनेशन दिया गया है?
कौन कौन से सेक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है इनको खुद पता नहीं है। और ये भी मान लेता हूं इन कंसल्टेंटों को थोड़ा देर के लिए कि आप जो कह रहे हो कि भाई वहां पे लाइसेंस मिलता है, तो जूनियर डॉक्टर का डेफिनेशन तो आज से नहीं है, जब से जॉर्जिया में इंडियन बच्चे जा रहे हैं तब से जूनियर डॉक्टर का कंसेप्ट है। तो क्या 2021 के पहले जरूरत नहीं थी लाइसेंस की इंडिया में? मैं मान लिया। तो 2021 के बाद जब नेशनल मेडिकल कमीशन ने FMGL लाया और उसमें बोला कि लाइसेंस टू प्रैक्टिस लेके आना है, तो आपके जो पुराने बैच थे वहां पे जो पढ़ाई कर रहे थे, जो पास आउट 2022 में, 23 में, 24 में हुए, क्या उनमें से किसी भी स्टूडेंट के पास जूनियर डॉक्टर के बाद लाइसेंस टू प्रैक्टिस वहां मिला है क्या? कोई कंसल्टेंट जो जॉर्जिया कर रहे हैं कमीशन के नाम पे या पैसे के नाम पे या यूरोपियन यूनियन को बेचने के नाम पे, क्या वो कंसल्टेंट किसी भी पेरेंट्स को या किसी पब्लिक डोमेन में जो बच्चे वहां से पास आउट हुए हैं, क्या उनके जूनियर डॉक्टर का लाइसेंस टू प्रैक्टिस दिखा सकते हैं? या वो स्टूडेंट जो वहां पे एज ए जूनियर डॉक्टर प्रैक्टिस किया है, क्या उसको दिखा सकते हैं कि उसको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने की लाइसेंस मिली है? किसी के पास नहीं है। आपको जवाब ना ही मिलेगा, नहीं तो आपको गोल गोल घुमाया जाएगा। उसके बाद हाल ही में 9 अगस्त 2024 को जॉर्जियन एम्बेसी दिल्ली ने भी एक एडवाइजरी निकाल दिया। उस एडवाइजरी में भी कुछ नया नहीं है। उस एडवाइजरी एक मार्केटिंग टूल से, जैसे इंडियन एम्बेसी का दूसरा एडवाइजरी था, बच्चों को उस एडवाइजरी से कोई बेनिफिट्स नहीं है। कंसल्टेंटों को मार्केटिंग करने के लिए वो एडवाइजरी एक अहम डॉक्यूमेंट दे देता है। एम्बेसी अपने जगह पे बहुत सही लिखा है, लेकिन एम्बेसी को एक कॉमन लैंग्वेज में, एक सिंपल भाषा में ये एडवाइजरी लिखनी चाहिए जिससे हर पेरेंट्स, हर स्टूडेंट समझ सके, उसको किसी वकील के पास जाना ना पड़े इसको समझने के लिए। आपको सिंपल लिखना चाहिए था उस एडवाइजरी में। आप उस एडवाइजरी के आखिरी में जो आर्टिकल्स सेक्शन रेफर कर रहे हैं, उस सेक्शन के हिसाब से किसी भी इंडियन स्टूडेंट को वहां पे लाइसेंस नहीं मिलता है, लेकिन उस चीज को आप एक सीधी लाइन में लिख देते कि वहां पे लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं है आफ्टर MD ग्रेजुएशन। बच्चों को समझ में आ जाता। आप उस सेक्शन 14, सेक्शन 17, सेक्शन 5 का जो रेफर कर रहे हैं, ये बच्चे कहाँ से ढूंढेंगे? सेक्शन 5 आपको मैं बता दूं, जो जॉर्जियन मेडिकल लॉ है, सेक्शन 5 के सब सेक्शन M आपको डिफाइन करता है जूनियर डॉक्टर को। सेक्शन 5 का सब सेक्शन H डिफाइन करता है यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। इसको जूनियर डॉक्टर से पहले इसको भी हम लोग समझते हैं कि यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्या होता है। उसके डेफिनेशन में जॉर्जियन मेडिकल लॉ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल को कैसे डिफाइन कर रहा है। यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि बार बार यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इस वीडियो में आपके पास आएगा, और हर आर्टिकल्स में जो इंडियन एम्बेसी या जॉर्जिया एम्बेसी रेफर किया है उसमें भी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का जिक्र होगा। तो पहले यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल को जॉर्जियन मेडिकल लॉ ने कैसे डिफाइन किया है उसको हम समझ लेते हैं। हाई क्वालिटी मल्टी प्रोफाइल मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैविंग अप्रोप्रिएट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विथ क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड ट्यूटर्स पार्टिसिपेटिंग इन स्टेट हेल्थ केयर प्रोग्राम्स एंड फोकसिंग ऑन द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम वेयर क्लिनिकल डिसिप्लिन आर टॉट एंड रिसर्च वर्क आर कैरिड आउट एंड वेयर जूनियर डॉक्टर गेन नेसेसरी प्रैक्टिकल स्किल। आप इसको समझ लीजिए, और दोबारा स्क्रीन पे है आपके, इसको भी पढ़ लीजिए कि हॉस्पिटल और जूनियर डॉक्टर उस हॉस्पिटल में जाके क्या करते हैं। वेयर जूनियर डॉक्टर्स गेन नेसेसरी प्रैक्टिकल स्किल, वो अपनी पढ़ाई सीखते हैं, प्रैक्टिकल स्किल सीखते हैं, रिसर्च स्किल सीखते हैं, न कि वहां पे इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हैं। उनको लाइसेंस नहीं मिलता है इंडिविजुअल प्रैक्टिस करने के लिए। अब आर्टिकल 5 जो जॉर्जियन मेडिकल लॉ है उसके सब सेक्शन M ये जूनियर डॉक्टर को डिफाइन करता है। ये जूनियर डॉक्टर कौन होते हैं? जूनियर डॉक्टर का डेफिनेशन जो जॉर्जियन लॉ का सेक्शन आर्टिकल 5 सब सेक्शन M जूनियर डॉक्टर को डिफाइन, जूनियर डॉक्टर अ पोजिशन दैट मे बी occupied by the graduate with a diploma of a state accredited higher medical institution, a person appointed to this position shall perform the duty of the doctor according to the instruction and under the responsibility of independent medical practitioner. इस बात को समझिए
कि जूनियर डॉक्टर वो होता है जो वहां के हायर एजुकेशन मेडिकल इंस्टीट्यूशन से, जो स्टेट एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन है, वहां से पास होता है और उसके पास ये अधिकार होता है कि वो जो सीनियर डॉक्टर हैं, जो इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसके जो सीनियर डॉक्टर्स हैं या फिर वहाँ ट्यूटर हैं, जिनके पास इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस का लाइसेंस है, उसके अंडर में रह के वो अपना प्रैक्टिकल स्किल सीख सके। और प्रैक्टिकल स्किल जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि 5 के कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है, जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के ऊपर में बातचीत करता है। अब सवाल आता है, जो बार बार आपका जिक्र आ रहा है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, जो इंडियन एम्बेसी के एडवाइजरी में या जॉर्जियन एम्बेसी दिल्ली के एडवाइजरी में जिस सेक्शन को रेफर किया गया है, सेक्शन 17, 17 ये कहता है कि अगर आप वहां पे जॉर्जिया में लाइसेंस अगर आपको लेना है और इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस आपको करनी है, तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं, जिस शर्तों को आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। आप जैसे ही वहां पे अंडर ग्रेजुएट क्वालिफाई करते हैं, यानी कि आप एमडी डिग्री वहां पे पास करते हैं, उसके बाद वहां पे रेसिडेंसी या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एग्जाम होता है, उस एग्जाम को आप पास कर लीजिए, और पास कर लेने के बाद वहां के रेसिडेंसी में या वहां के मास्टर डिग्री में आपका एडमिशन होता है, उस एडमिशन के बाद आप अपना रेसिडेंसी कंप्लीट करते हैं और वहां या वहां के पोस्ट ग्रेजुएशन अपना स्पेशलाइजेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद यूनिफाइड स्टेट का सर्टिफिकेशन एक एग्जाम होता है, उसको आप पास कीजिए। उसके पास करने के बाद फिर वहां आपको इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस जॉर्जियन गवर्नमेंट देगा। अब इस आर्टिकल 17 को समझाने के लिए तो कंसल्टेंट के पास फुर्सत नहीं है, क्योंकि उनको डांसिंग रील बनाने से फुर्सत नहीं है, उनको 5 स्टार में बड़े बड़े शो करने से फुर्सत नहीं है, तो फिर आर्टिकल 17 पढ़ेंगे कैसे? टाई सूट लगा के जॉर्जिया जॉर्जिया चिल्ला रहे हैं, यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन चिल्ला रहे हैं, और आपको सपने दिखा रहे हैं कि तुम अगर जॉर्जिया से एमबीबीएस कर लिए तो पूरा यूरोपियन यूनियन तो तुम्हारा ही हो जाएगा, जबकि तुम्हें खुद पता नहीं है कि 6 साल बाद तुम्हारा डिग्री इंडिया में एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। ना तुम जूनियर डॉक्टर बन पाओगे, ना सीनियर डॉक्टर बन पाओगे, ना यहाँ पे आके तुम मास्टरी कर सकते हो, ना यहाँ के तुम कंपाउंडरी कर सकते हो। तो उन कंसल्टेंटों से पूछो कि आर्टिकल 17 क्या बताता है, और आर्टिकल 17 उनसे पूछ लो, मैंने बता दिया, और तुम भी ढूंढ के पढ़ो। अगर नहीं ढूंढ पाओगे तो मैं जो जॉर्जियन लॉ है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। अब 17 के बाद आता है सेक्शन आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्टिकल 14 ये डिफाइन करता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास अगर इंडिविजुअल मेडिकल लाइसेंस नहीं है, तो इस केस में वो कौन कौन लोग हैं और उनका क्या क्या ड्यूटी होगा, वो कौन डॉक्टर है, वो क्या क्या कर सकते हैं। तो आर्टिकल 14 डिफाइन ये करता है कि अगर आपके पास इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस लाइसेंस नहीं है, तो आप वहां पे जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं वहां पे कर सकते हैं, रेसिडेंसी कर सकते हैं, और जिस कॉलेज में जिस इंस्टीट्यूशन में आप कर रहे हैं उसके हॉस्पिटल्स में आप अपना क्लिनिक जो एक्सपोजर है, क्लिनिकल जो एक्सपेरिमेंट है, जो ट्रीटमेंट है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। उसी आर्टिकल 14 में ही जूनियर डॉक्टर को भी एक ड्यूटी दिया गया है कि भाई जूनियर डॉक्टर क्या क्या कर सकता है। तो जूनियर डॉक्टर को इसमें जो आर्टिकल 14 जो ये डिफाइन करता है, अ पर्सन हु ऑब्टेन अ स्टेट सर्टिफिकेट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम शैल हैव द राइट टू परफॉर्म एन इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस ड्यूरिंग हिज हर पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग ओनली इन द मेडिकल स्पेशलिटी स्पेसिफाइड बाई द स्टेट सर्टिफिकेट। ये कह रहा है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन से पहले जो लोग के पास एमडी का डिग्री है, वो इंडिपेंडेंटली जो इंस्टीट्यूशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूशन है, उसमें अपना ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं। और वो ड्यूटी क्या होगा, वो जो स्टेट सर्टिफिकेट है वो डिसाइड करता है, मतलब जो वहां के लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो डिसाइड करता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आप पढ़ाई के दौरान में इंडिया में जब आप पीजी करते हैं, तो यहाँ पे भी आप हॉस्पिटल के तहत आप रह के आप ऑपरेशन कर सकते हैं, आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, दवा लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के दौरान आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। सेम चीज जॉर्जिया में भी है कि अगर आप वहां पे एज ए जूनियर डॉक्टर किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, किसी सीनियर डॉक्टर के साथ, किसी ट्यूटर के साथ, जिसके पास इंडिपेंडेंट लाइसेंस का प्रैक्टिस का लाइसेंस है,
उसके अंडर में आप सीख सकते हैं, क्लिनिकल चीजों को सीख सकते हैं, रिसर्च बेस्ड चीज सीख सकते हैं। इसका मतलब कतई नहीं होता है कि जूनियर डॉक्टर को वहां पे लाइसेंस मिलता है। ये जूनियर डॉक्टर का के ये जो कंसल्टेंट और काउंसलर जो तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, पहले उससे पूछो कि जूनियर डॉक्टर का मतलब वो क्या समझता है। किसी आसपास के जो डॉक्टर्स हैं तुम्हारे परिवार में, फैमिली में, रिलेटिव्स में, उनसे पूछो कि जूनियर डॉक्टर किसको कहते हैं, जूनियर डॉक्टर्स के राइट क्या होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है जॉर्जिया में कि जब जॉर्जियन मेडिकल लॉ एक सिस्टम बनाया है, एक एजेंसी है, एक कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में काम करती है और इंडिपेंडेंट लाइसेंस के लिए लाइसेंस तब देती है जब कोई लड़का, कोई स्टूडेंट, कोई डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएशन या रेजिडेंसी कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद यूनिफाइड स्टेट कमीशन का जो एग्जाम है वो पास करता है, उसके बाद उसको लाइसेंस मिलता है। पीजी कर लेने के बाद भी तुमको डायरेक्टली लाइसेंस नहीं मिलेगा, उसके लिए भी तुमको एग्जाम देना पड़ेगा। पीजी करने से पहले पीजी में एडमिशन के लिए तुमको एग्जाम देना पड़ेगा। और जॉर्जिया में जो ये पूरी प्लेन भर भर के बच्चे जा रहे हैं पढ़ाई करने, कभी अपने कंसल्टेंट से ये बात पूछना कि पूरी जॉर्जिया में रेसिडेंसी का और पोस्ट ग्रेजुएट का सीट्स कितना है। जब तुम 5-5 से 10-10 हजार बच्चे तुम जा रहे हो इस कंसल्टेंटों के ब्रेन वॉश के आधार पे जो तुमको बोल रहा है कि यूरोपियन यूनियन में जा रहे हो, अब यूरोपियन यूनियन का डॉक्टर बन जाओगे, कितने कंट्री में तुम्हारा राइट टू प्रैक्टिस मिल जाएगा, ये सपने लेके जो तुम जा रहे हो, 6 साल बाद जब सपना तुम्हारा टूटेगा, न तुम घर के रह पाओगे न तुम घाट के रह पाओगे। और जब तुम टॉर्च बार के इस तरह के कंसल्टेंटों को ढूंढोगे तो इसमें मैक्सिमम कंसल्टेंट जो सो कॉल्ड अपने आप को बड़ा कंसल्टेंट कहते हैं, ये किसी देश के सिटीजन हो गए रहेंगे, और जो छोटे छोटे कंसल्टेंट होंगे अपना दुकान और शटर बंद करके कहीं और चले गए रहेंगे। और उस समय वो तुमसे बोलेंगे ये एनएमसी का एफएमजीएल तुम पढ़ के क्यों नहीं आए, जॉर्जियन मेडिकल लॉ तुम जाने से पहले क्यों नहीं पढ़ लिए, एडवाइजरी ये तो तुम्हारा जिम्मेवारी है एडवाइजरी समझने का, मेरा काम तो एडमिशन करवाने का है, मैंने तुम्हारा एडमिशन करवा दिया, मुझे थोड़ा ही पता है कि एफएमजीएल क्या है, एडवाइजरी क्या बोलता है, जॉर्जियन मेडिकल लॉ क्या बोलता है। उस समय तुम कहां जाओगे, किसको ढूंढोगे। तो इसलिए दोस्तों मेरा कहना बस इतना ही है, ये ओवरऑल मैं एक ब्रीफिंग किया कि जॉर्जियन मेडिकल एजुकेशन का इंडिया में क्या हस्र हो रहा है या क्या हस्र होने जा रहा है, इस पे आप थोड़ा सा अवेयर रहिए। और जो भी जूनियर डॉक्टर की बात हो रही है वो जूनियर डॉक्टर को वहां पे लाइसेंस नहीं मिलता है। जैसे इंटर्नशिप में या इंटर्नशिप के बाद किसी हॉस्पिटल्स में कोई डॉक्टर्स जाके सीखता है किसी सीनियर्स के साथ, किसी कंसल्टेंट के साथ, उसी तरह से जूनियर डॉक्टर जाके वहां पे प्रैक्टिकल स्किल सीख सकता है, रिसर्च बेस्ड जो कुछ काम है उसको सीख सकता है। ये कतई इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको लाइसेंस मिलता है। फिर मैं आपको बताऊं कि आप जॉर्जियन मेडिकल लॉ आर्टिकल 17, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 5 को, ये तीन को जरूर पढ़िए। अगर जॉर्जियन लॉ को पूरा में पढ़ना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे चीज मिलेगा, फॉरेन डॉक्टर्स को क्या राइट्स है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। लेकिन एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप वहां पे इंडिपेंडेंट लाइसेंस लेते हैं तो आपको जॉर्जियन लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी मिलेगा। और कुछ केस में जो टेम्प्रोरी कुछ फॉरेन डॉक्टर्स को वहां पे परमिट किया जाता है उसको एग्जम्प्ट किया गया है, जो पार्ट टाइम के लिए कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किसी को बुलाया गया है फॉरेन डॉक्टर को, उसको जॉर्जियन लैंग्वेज से एग्जम्प्ट किया गया है। लेकिन अगर आप जॉर्जिया में इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आपको पीजी करना पड़ेगा, यूनिफाइड स्टेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको जॉर्जियन लैंग्वेज आनी चाहिए, लिखने आनी चाहिए, बोलने आनी चाहिए। अब इन सब के बीच तय आपको करना है, सवाल आपको उठाना है अपने कंसल्टेंट से या उन बच्चों से जो जॉर्जिया में बैठ के आपको काउंसलिंग कर रहे हैं कि जॉर्जिया बेस्ट है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, यहाँ लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलता है, यहाँ पे सेपरेट इंटर्नशिप मिलता है। जॉर्जिया में लाइसेंस टू प्रैक्टिस आपको पीजी करने के बाद मिलेगा, वो हर डॉक्यूमेंट्स प्रूफ कर रहा है, वो चाहे जॉर्जियन एम्बेसी का एडवाइजरी हो, इंडियन एम्बेसी का दोनों एडवाइजरी हो, आरटीआई हो या ईमेल का जवाब हो, हर डॉक्यूमेंट्स में ये कहा जा रहा है कि आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस इंडिविजुअल मेडिकल लाइसेंस की व्यवस्था तभी आपको दी जाएगी जब वहां पे आप रेसिडेंसी और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में से कोई ये कर ले, या उसके बाद यूनिफाइड स्टेट का जो एग्जामिनेशन हो रहा है लाइसेंस का उसको पास कर ले तभी आपको वहां पर रजिस्टर्ड किया जाएगा। सेपरेट इंटर्नशिप जॉर्जिया में नहीं है, पूरी सीआईएस कंट्री में किसी भी देश में सेपरेट इंटर्नशिप नहीं है, इंटर्नशिप के साथ भी वहां पे खिलवाड़ हो रहा है।
जिसके ऊपर नेशनल मेडिकल कमीशन ने कह दिया है कि ड्यूरिंग स्टडी पीरियड कोई भी क्लिनिकल एक्सपोजर, क्लिनिकल रोटेशन या इंटर्नशिप होता है उसको मैं वैध नहीं मानूंगा। अब तय आप कीजिए कि जॉर्जिया आपके लिए कितना अच्छा है और कितना खराब है। अगर इस चैनल पे आप पहली दफा हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे इस तरह के खबरें आप तक पहुंचते जाए। और आखिर में आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जॉर्जिया में लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं है, सेपरेट इंटर्नशिप नहीं है। आप अपने जीवन और करियर को तय करते समय थोड़ा अवेयर रहिए और जाने से पहले कुछ कुछ चीजों को पढ़ लीजिए और कंसल्टेंट और काउंसलर के बातों पे मत फंसिए। थैंक यू।